गुजरात के बड़गांव विधायक जिनेश मेवाणी को रविवार को जयपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वे मेटदा रोड में रविवार को राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में भाग लेने गए थे। प्रशासन ने मेटदा में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जिग्नेश के आने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क था। प्रशासन ने बीती रात को ही नागौर जिले में धारा 144 लगा दी थी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर किसी भी आशंका के चलते प्रदेश के अनेकों जिलों में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं राजस्थान के मेटदा सिटी नागौर में गुजरात के बड़गांव विधायक जिग्नेश मेवाणी के दौरे की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसे लेकर शनिवार दोपहर थाना परिसर में SP पारस देशमुख ने CLG की बैठक ली। वहीं जिग्नेश के कार्यक्रम की आने की सूचना मिलने के बाद पूरे जिले में अतिरिक्त जाप्ता भी तैनात किया गया। मेटदा रोड पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राज्य स्तरीय जयंती समारोह रविवार को रेगा समाज के भवन परिसर में मनाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद रहा। इस कार्यक्रम में विधायक जिग्नेश के अलावा भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर सहित दलित समाज से जुड़े अनेक नेता और पदाधिकारी शिरकत करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिग्नेश को इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान मेवाणी ने राजस्थान सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया कि राजस्थान में मेरे आने से वसुंधरा राजे सरकार किस हद तक बौखला उठी है उसका ये एग्जाम्पल है। आज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनकी फिलोसफी और हमारे देश के संविधान, इस मुद्दे पे मैं बात रखने के लिए एक पब्लिक मीटिंग में जा रहा था तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के DM और SP ने एक लेटर इश्यू किया है कि जिग्नेश मेवाणी की वहां पर एंट्री न की जाए। न केवल उतना, फिर वहां से मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला जयपुर एयरपोर्ट से तो पुलिस के सारे काफिले ने मुझे घेर के रखा है। मैंने पूछा आप कौन से कानून के तहत मेरी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनका उसके पास कोई जवाब नहीं, लिखित में भी उनके पास कुछ नहीं है। तो जयपुर में, राजस्थान में कहीं पर भी मैं न घूमूं उस प्रकार का एक माहौल बना के उन्होंने रखा है। मेरी एंट्री को पूरे राजस्थान में उन्होंने रोक के रखा है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर कानूनी तौर पे।